नांदेड़ लोकसभा के नव मुंतखब कांग्रेसी रुकने पार्लियामेंट वसंत चौहान का आज सुबह 3 बजे के करीब इंतकाल हो गया है। वसंत चौहान को सांस लेने में तकलीफ होने के बाइस इब्तदाई तौर पर नांदेड़ के एक निजी अस्पताल में दाखिल किया गया था। इसके बाद इन्हें इलाज के लिए हैदराबाद के किम्स हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके इंतकाल से नांदेड़ जिले में शोक की लहर दौड़ गई है। गुज़िश्ता 2 दहाइयों में उन्होंने रियासती कानून साज असम्बली के दोनों ऐवानों में नुमाइंदगी की थी और 2024 में कांग्रेस के टिकट से पार्लियामानी इंतखाबात में हिस्सा लिया और भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। 1957 से नांदेड़ जिले में ज्यादातर रुकने पार्लियामेंट पहली कोशिश में ही लोकसभा में मुंतखब हुए हैं और उनमें वसंत राव चौहान का नाम भी शामिल है, जिन्होंने अपने सियासी करियर का आगाज सरपंच के ओहदे से किया था। कांग्रेस के नौ मुंतखब रुकने पार्लियामेंट वसंत चौहान के दोनों गुर्दे नाकारा हो चुके थे, जिसके बाइस इन्हें हर महीने की 10 तारीख को डायलिसिस करवाना पड़ता था। लेकिन नांदेड़ में गुज़िश्ता दिनों पार्टी के डिविजनल मीटिंग होने के सबब वो अपनी बाकायदा तिब्बी जांच नहीं करवा सके, जिसकी वजह से उनकी सेहत अचानक खराब हो गई। इन्हें फौरी तौर पर नांदेड़ के एक निजी अस्पताल में दाखिल किया गया था। इब्तदाई इलाज के बाद उनकी हालत बेहतर होने लगी, लेकिन डॉक्टर्स के मशवरे पर इन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए हैदराबाद ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान आज सुबह 3 बजे उनका इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल से नांदेड़ के सियासी हलके को बड़ा नुकसान पहुंचा है।